सिंपल तरीके से अंडे का पराठा बनाना बता रही हूँ। ये प्याज है बारीक कटे हुए छोटे टुकड़ों में, ये थोड़ी सी लाल मिर्च है, ये हरी मिर्च है, ये टमाटर है, कड़ी पत्ता है, धनिया पत्ता भी आपके पास हो तो डाल सकते हैं, और शिमला मिर्च और बीन्स भी है उसको भी बारीक काट के आप डाल सकते हैं। लाने के लिए अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, इसमें गरम मसाला, थोड़ी सी इसमें ब्लैक सॉल्ट। ये देखिए बनके तैयार हो गया, इसका रंग कितना अच्छा लग रहा है। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं, इसको ठंडा होने तक रखते हैं, जब ठंडा हो जाएगा तब अंडा में मिक्स करेंगे। जब तक ये मिक्सचर आपका ठंडा हो रहा है तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंद के रेडी हो गया, इसमें गूंदते समय थोड़ा सा नमक मिक्स कर लीजिए। अब इसको इसमें मिक्स कर लीजिए और ऊपर से आपको नमक डालने की जरूरत नहीं है, इसको तरह से खूब अच्छे से मिक्स करके। ऐसे गोल बेल के उसमें इसमें अच्छी तरह से ऑयल या घी आप लगा लीजिए, फिर इसको ऐसे मोड़िए, फिर इसमें भी इसको धीमी आंच पर थोड़ा सेकने दीजिए। देखिए आपका पराठा सिक गया है, सिक कर रेडी हो गया। अब इसको आप धीरे धीरे ऐसे फाड़ लीजिए और इसमें अंडा भर दीजिए। इसको ऐसे इसमें धीरे धीरे भर दीजिए, थोड़ी थोड़ी ही भरिएगा कि जिससे बाहर ना आए। किनारी तक इसको लगा दीजिए, थोड़ा सा इसको सिक जाए फिर इसको बंद करके इसमें घी या तेल लगाएंगे। हाथों से स्पून से धीरे धीरे इसको बंद कर दीजिए, इसमें तेल लगा के इसको धीमी आंच पे सेकने दीजिए, तब पलटिएगा। देखिए मेरी कितनी सुंदर पराठा करारी तैयार हो गई। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं, किसी चटनी वगैरह के साथ, सब्जी के साथ, चटनी के साथ। देखिए पराठा बनके तैयार है। ब्रेड के साथ देखिए ये आप बना सकते हैं। थोड़ी सी इसमें घी या तेल लगाइए और उसमें इसको थोड़ी सी ऐसे ऐसे फैला दीजिए।
देखिए इस तरह बंद करके थोड़ी चटपटा के लिए ऊपर भी आप लगा सकते हैं, इसे बच्चे को पसंद करके खाएंगे। दोनों साइड से लगाएंगे।